नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आयुष चत्रांश। चलिए इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रामपुर में पुलिस ने रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आले हसन और उनके बेटे को कलेक्ट्रेट परिसर से गिरफ्तार किया है। सपा शासन में आले हसन सीओसीटी रहे थे। इन पर अब तक कुल 56 मुकदमे दर्ज हैं। कई मुकदमों में इन्हें कोर्ट से जमानत मिल चुकी है, जबकि कई मुकदमों में कोर्ट से 82 की कार्रवाई की गई है। अब आले हसन को कोतवाली सिविल लाइन पुलिस पिछले कई महीनों से तलाश रही थी, पर आले हसन पुलिस को चकमा दे रहे थे और उनके घर की कुर्की का नंबर भी था। शायद आज कोर्ट में अपने आप को हाजिर करने आए थे, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। तो खबर गाजियाबाद से है, जहां पे महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नोएडा में स्पा सेंटर में यह महिला काम करती थी। पुलिस ने मुस्तफा नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बार बार शादी करने के लिए महिला परेशान करती थी। इसके बाद आरोपी ने गला रेत कर हत्या कर दी है। अब पुलिस इस मामले की जांच में फिलहाल जुटी है। उधर मोहनलालगंज विकासखंड के अंतर्गत आने वाले मरुई गांव में ग्रामीणों ने विकास की कमान अब खुद संभाल ली है। अब सरकारी तंत्र की लापरवाही के चलते ग्रामीणों ने खुद ही गांव में निर्माण कार्य को शुरू कर दिया है। ग्रामीणों ने यह बताया कि उनके गांव का मुख्य मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है, साथ ही पानी निकासी की भी कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे में बरसात के समय कई लोग हादसे का शिकार होते हैं। अब समस्याओं की शिकायत ग्रामीणों ने कई बार खंड विकास कार्यालय, तहसील और जनप्रतिनिधियों से की, लेकिन उनको निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद मजबूरन खुद ही ग्रामीणों ने सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया। तो खबर गोंडा से है, जहां पे महिला की पिटाई का मामला सामने आया है। आरोपी पक्ष के लोगों ने इसके बाद सड़क को जाम कर दिया है। लखनऊ गोंडा मार्ग पर यह जाम लगा दिया गया। करनैलगंज कोतवाली का फिर घेराव भी किया गया। इसमें एएसपी और सीओ पर एकतरफा कार्रवाई करने के आरोप ग्रामीणों ने लगाए हैं। गोनवा गांव में दबंगों ने महिला की पिटाई की। इसके बाद महिला समेत उसके पति, बेटे और बेटों को उसमें चोटें आईं। दबंगों के दबाव में पुलिस ने इसमें कोई कार्रवाई नहीं की। एएसपी की जांच में लापरवाही का मामला भी सामने आया और एएसपी ने अब एसपी को कोतवाल के खिलाफ जो रिपोर्ट है वो भेज दी है। एएसपी के निर्देश पर 13 लोगों के खिलाफ अब रिपोर्ट भी इस विरोध प्रदर्शन के बाद दर्ज की गई। तो आरोपी पक्ष के लोगों की तरफ से सड़क जाम कर दी गई। एएसपी और सीओ पर एकतरफा कार्रवाई के आरोप लगाते हुए गोनवा गांव में दबंगों ने जो महिला की पिटाई की, उसको देखते हुए ग्रामीण आज सड़क पर आ गए, जिससे गोंडा लखनऊ मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। करनैलगंज कोतवाली का घेराव भी ग्रामीणों के द्वारा किया गया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही गई है, क्योंकि एएसपी की जांच में लापरवाही का जो मामला है वो सामने आया था और एएसपी और सीओ पर एकतरफा कार्रवाई के जो आरोप लगे, अब इसको रिपोर्ट एसपी को भेज दी गई है और इसमें अब कार्रवाई की भी बात फिलहाल कही जा रही है। उधर मेरठ मेडिकल कॉलेज प्रशासन की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और यहां पर बायो मेडिकल वेस्ट में ले जाई जा रही कोरोना मरीज के ब्लड सैंपल की फाइल सड़क पर बिखर गई है। इससे मेडिकल कॉलेज में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ठेले में ओवरलोड करके पैकेट रखे गए थे, इसमें से 2 पैकेट अचानक से सड़क पर गिर गए और सारे वॉयल सड़क पर फैल गए। किसी शख्स ने ये वीडियो बनाकर इसके बाद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालांकि कुछ दिन पहले मरीजों के ब्लड सैंपल भी बंदर ले गए थे और तभी भी ये मामला काफ़ी तूल पकड़ चुका था। हालांकि इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि माइक्रोबायोलॉजी लैब से ऑटो क्लियर करके वायरल मेडिकल टेस्ट के तौर पर ले जाई जा रही है और इससे वायरस फैलने का कोई खतरा नहीं है। तो फिरोजाबाद का सरकारी मेडिकल कॉलेज हमेशा अपनी लापरवाही के चलते चर्चाओं में रहता है। अब ताजा मामला सरकारी अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के दवाई स्टोर रूम का है, जहां पर कुत्तों ने अपना आशियाना बना लिया है। कुत्ते मरीजों को पानी चढ़ाने वाली बोतलों के पास बैठकर आराम फरमा रहे हैं, लेकिन उस पर किसी की भी नजर नहीं थी। जब मीडिया ने देखा तब ट्रामा सेंटर के गार्ड और कर्मचारी इस मामले में सक्रिय हो गए। बस्ती के महर्षि वशिष्ठ मेडिकल कॉलेज में कोरोना काल में करीब 5 महीने के दौरान 8 संक्रमितों की मौत हो चुकी है।
इसमें 5 को सांस लेने की शिकायत भी थी, लेकिन मेडिकल कॉलेज में 18 वेंटिलेटर होने के बावजूद एक भी मरीज को उसकी सुविधा नहीं दी गई। इसका सवाल जब अस्पताल प्रशासन से पूछा गया तो उनका तर्क ये था कि वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीज की मौत हो जाती है और वेंटिलेटर के अलावा मरीज के लिए ऑक्सीजन की सुविधा है जो कि वेंटिलेटर से ज़्यादा कारगर साबित हो रही है। इस समय 15 मरीजों को ऑक्सीजन पर रखा गया है। ये रूमर है जो पता नहीं किस बात को क्या तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। मैं कोई भगवान तो लगावा नहीं हूँ कि भाई इसमें लोग मेरे कहने से मर जाते हैं, जिंदा रहते हैं, वो पता नहीं किस किस सेंस में बात कहेगी, उसका मुझे बनाना। वेंटिलेटर पर अभी एक भी मरीज का इलाज हुआ सर? देखिए, जो मरीज होता है इसका डिसीजन जो है वहाँ पर कंसर्न डॉक्टरों से लिया जाता है, जिसके हिसाब से वो डिसीजन लेते हैं। तो खबर गाजियाबाद से है, जहां पे अवैध हथियारों की तस्करी लगातार जारी है और ट्रॉनिका सिटी पुलिस ने इसी सिलसिले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 7 तमंचे और अन्य सामान को भी बरामद किया गया है। ऑन डिमांड अवैध हथियारों की ये सप्लाई करते थे, अब मुख्य सरगना की तलाश फिलहाल पुलिस के द्वारा की जा रही है। उधर मुरादाबाद को स्वच्छ बनाने के लिए नोडल अधिकारी मनोज सिंह सड़कों पर उतर चुके हैं और लंबे समय से बंद पड़े टीचिंग ग्राउंड को दोबारा से सुचारू करने और उसमें लगे आधुनिक मशीनों से कचरे को कंपोस्ट खाद में परिवर्तित करने का प्रयास हो रहा है। मुरादाबाद के सर्किट हाउस पहुंचे अपर सचिव मनोज सिंह ने जिले के स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और उसके बाद जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। अपर प्रमुख सचिव मनोज सिंह का ये भी कहना है कि जिले को और स्वस्थ बनाने के प्रयास फिलहाल हो रहे हैं और जल्द ही पूरा शहर साफ सुथरा दिखाई देने लगेगा। नगर निगम और नगर निकाय और नगर पंचायतों की मीटिंग की और अभी CMO और उनसे मेडिकल से जुड़े हुए स्टाफ की मीटिंग की और पूरी समीक्षा मैंने की है। जो यहाँ पर कोविड के केसेस आए थे, ज़्यादा आए थे, वो कारण आप लोग जानते ही हैं, ETC में और BSE में जवान काफ़ी निकल आए थे। अब ये केसेस कम होंगे। बाकी जो व्यवस्थाएं यहाँ पर बताई गई कि मेडिकल वार्ड में AC की व्यवस्था करानी है तो वो हम लोगों ने निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी महोदय वो अपने प्रयासों से समस्त जो वार्ड लगे हुए हैं उसमें भी AC लगवाएंगे। PPE किट के बारे में बताया गया कि वो थोड़ा सफोकेटिंग है तो गाड़ियाँ की ठीक से व्यवस्था हो, जिसमें एयर कंडीशनर हो ताकि जाके जो भी टेस्टिंग कर रहा है वो सफोकेट ना करे। उसके लिए भी शासन द्वारा प्रत्येक जनपद में फंड दिए गए हैं जो जिससे गाड़ियाँ आप खरीद सकते हैं, तो वो भी व्यवस्था की जा रही है। और चलिए इसी के साथ एक बड़ी जानकारी लखनऊ से आ रही है। आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर है लखनऊ से, BJP विधायक ब्रजेश प्रजापति की गुंडागर्दी देखने को मिली है। बड़ी जानकारी आपको इस समय बता रहे हैं, गुर्गों के साथ मिलकर के एक परिवार को जमकर पीटा है BJP विधायक के द्वारा। घर की महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई है। लखनऊ से ये बड़ी जानकारी और पीड़ित परिवार पर ही मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। ये बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहले भी विधायक ने खनन अधिकारी के साथ बदसलूकी की थी, अब एक परिवार के साथ मारपीट और बदसलूकी का मामला सामने आ रहा है जिसमें महिलाओं के साथ भी बदसलूकी की गई है। BJP विधायक ब्रजेश प्रजापति की गुंडागर्दी देखने को मिली है। गोरगों के साथ मिलकर के एक परिवार को जमकर BJP विधायक ब्रजेश प्रजापति की तरफ से पीटा गया है और BJP विधायक ब्रजेश प्रजापति की जो गुंडागर्दी है देखने को मिली है। गुर्गों के साथ मिलकर एक परिवार को जमकर पीटा, महिलाओं के साथ भी अभद्र व्यवहार किया गया और उसके बाद इस परिवार के खिलाफ जो मुकदमा है वो भी दर्ज किया गया। बड़ी जानकारी। तो वहीं इस पूरे मामले में हमारे सहयोगी जय शुक्ला ने पीड़ित परिवार से खास बातचीत की है, आइए आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें तो BJP सबका साथ सबका विकास लेकर के सत्ता में आई थी, ऐसे में कहीं ना कहीं
कुछ ऐसे हनकदार विधायक और नेता हैं जो लगातार गरीबों पर अपना कहर ढाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला राजधानी लखनऊ के पीजीआई में जो तेलीबाग कस्बा है वहां से निकल के सामने आया है। हमारे पीछे देख रहे हैं कि कुछ जो लोग हैं इनको बुरी तरह से मारा पीटा गया है। इनका कहना है कि विधायक के जो गुर्गे थे या विधायक थे उनके द्वारा मारा गया है। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? सुनील। सुनील, क्या पूरा मामला था? वहाँ पे लड़ाई हो रही है, एक लड़का बता, तो हम भागते हुए चले हैं, कहन भाई से तुम्हारे लड़ाई हो रही, तो हम चले आ रहे हैं, हमको गिरा के मारने लगे एकदम से, सब कोई जुट के। जो हमारे घर की महिलाएं और तो कोई मारा? कोई नहीं मारा है, बात भाई ने। बिल्कुल, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनके घर की महिलाएं थी उनको भी मारा गया है। आप देख रहे हैं बुजुर्ग भी हैं। नाम है आपका? राम बिहारी। नाम भैया, क्या हुआ था? अरे भैया, दौड़ा लिया हमको इस लड़की को, लातम घुसन को मारा, वो हमारे लड़के का लग मार के देखो पकड़ाए के बंदों का रहा दिन बेटा। लोग के सर का हमारे तो कोई कुछ सुन ही नहीं रहा, मैं गरीब मारी मारी कल से फिर नहीं। लड़कियों को भी मारा? हाँ, इसके कुछ लड़कियां हैं उनको भी मारा गया है। किसने मारा आप लोगों को? हमको वो राकेश प्रजापति, सुरेश प्रजापति, दिनेश प्रजापति, ये सब विधायक के साले हैं। कौन है विधायक? विधायक? हाँ, बीजेपी के ब्रजेश विधायक। ब्रजेश? हाँ। किस वजह से मारा आप लोगों को? अरे वो कोई मैटर नहीं था, ये अचानक से घर हमारे टूट पड़े, हमको पता नहीं, सब लाते घुसा, हम जान बचा के भगे, मेरे बार पकड़े, मेरे यहाँ मारा, मेरा मोबाइल छिना लिया, 112 नंबर फोन कर रहे थे। अरे हमने कहा भैया हमको मत मारो, खड़ी लात मारी हमने कहा मोदी। क्या पहले कोई रंजिश थी, कुछ मामला था? पहले हमारी शटरिंग हो रही थी या लोग आने नहीं दे रहे थे, तो हम पुलिस को बुला के ले गए, तो उन्होंने समझाया था, हमारी शटरिंग जाने दी, तब भी इसने हमारे भाई को आशीष को गुम्मे अड्डे से मारा था। हमने कहा हटाइए, ये लोग बड़े लोग, दो बार सबर कर ले। उसके बाद ने तो खुद उल्टा मुकदमा लिखाया कि उनके ये उल्टा मारवा के उल्टा मुकदमा, सब शराब पिए थे, विधायक शराब पिए थे, ये सब जितने थे सब सब। बिल्कुल, ये देख सकते हैं कि रिपोर्ट दर्ज है। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है? भैया नहीं, अभी नहीं हुआ, इसको बंद किया है। अरे हमारे लड़के को, किसी को नहीं बंद किया, हमारे भाई को अब जस्ट बंद कर दिया गया। हाँ, चोट हम लोग को लगी गई, धमकाया हम लोग को जा रहा है। बीजेपी की सरकार में मोदी तो लड़कियों को सम्मान दे रही है, अच्छी परवरिश दे रही है। हम लोग हाँ, हम लोग दलित पर, हम लोग की बेइज्जती कर डाली, मेरी जब वाली बहन के पूरे कपड़े चरा चरा, सीना आईना में सब लाते, जैसे पाया सब खूब मारे लाते घुसे। यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरा परिवार अपना दर्द बयां कर रहा है मीडिया के सामने, आप देख सकते हैं कि किस तरह से चोट खाए हुए हैं। एक जो सत्तारूढ़ विधायक हैं, जो कि बांदा से विधायक बताए जा रहे हैं ब्रजेश प्रजापति, वो और उनके गुर्गों ने मिलकर बुरी तरह से पूरे परिवार पर कहर ढाया है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से जो पीड़ित परिवार है उसी को ही बंद करने का लगातार आरोप लगाया जा रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पर पूरा पीड़ित परिवार इकट्ठा है, ये थाने के बाहर, पीजीआई थाने के बाहर मिन्नतें कर रहे हैं कि उनके जो घर के लड़के को बंद किया उनको छोड़ दिया जाए। अब बड़ा सवाल इसमें ये उठता है कि जिस तरह से लगातार जो बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेकर के सत्ता में आई थी, ऐसे में दलित परिवार पर उन्हीं के जो विधायक वो किस तरह से कहर बरसा रहे हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज़ के लिए जय शुक्ला। और चलिए बातचीत करते हैं, जय शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन पे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये प्रकरण क्या है, क्या समझ में आया है, कोई रंजिश थी, क्या वजह रही इस पूरी मारपीट की? और दूसरा ये बताएं कि जो पीड़ित पक्ष जिससे आप बातचीत कर रहे थे, जिनके बेटे को पकड़ के बंद किया गया पुलिस थाने के अंदर, पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रकरण को लेकर के, दोनों ही चीजों को अपडेट करें। बिल्कुल, अगर आपको बता दें तो ये राजधानी लखनऊ के तेलीबाग का मामला, जो कि थाना पीजीआई के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर प्रकरण ये था, कल देर शाम किसी बात को लेकर के जो तेलीबाग का इलाका है वहां पर दो पक्षों में आपस में विवाद हो गया। हालांकि एक पक्ष जो था वो विधायक की ससुराल के पक्ष के लोग थे, और दूसरा पक्ष ये जो पीड़ित पक्ष यहाँ बात कर रहा था, इन लोगों में आपस में कुछ कहासुनी हुई, वाद विवाद हुआ, जिसमें जो पीड़ित पक्ष था उसको मारा पीटा गया। उसके बाद जो ये ससुराल पक्ष के लोग थे, जो विधायक थे ससुराल पक्ष के लोग थे, उन्होंने विधायक जी को फोन कर दिया, और उसके बाद विधायक अपने गुर्गों के साथ मौके पर पहुंचते हैं, और फिर वहां पर फिर से मारपीट शुरू हो जाती है। दोनों पक्षों में इतनी घमासान लड़ाई होती है कि कई लोग इसमें चोटिल होते हैं। हालांकि जो पीड़ित पक्ष है उसका आरोप है कि उस वक्त विधायक और जो गुर्गे थे उन्होंने शराब भी पी रखी थी, जिसकी वजह से ये मामला काफी बढ़ गया। हालांकि पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचती है और जो पीड़ित पक्ष था उनको लेकर के आती है और दूसरे पक्ष को भी लेकर के आती है। हालांकि अपने रसूख के बल पर जो इनके जो नाम थे, इन्होंने विधायक अपना नाम हटा लेते हैं तहरीर से, जिसके बाद फिर से इनके ससुराल वाले पक्ष और दोनों तरफ से कुल मिलाकर के मुकदमा दर्ज किया जाता है।
जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया जय, फिलहाल इस बातचीत तो जानकारी के लिए। तो बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति की गुंडागर्दी फिलहाल फौरी तौर पर यह कहा जा रहा है। अब पीड़ित पक्ष की तरफ से भी इसमें तहरीर देकर के मामला दर्ज करवाया गया है और एक परिवार के साथ मारपीट के गंभीर आरोप बीजेपी विधायक के ऊपर लगे हैं। वहीं मैनपुरी में एक तरफा प्रेम में युवक ने युवती और उसकी मां पर सरिया से हमला कर दिया और घटना में युवती की मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवती को गंभीर हालत में इलाज के लिए सैफई भेजा गया। हत्यारे युवक को एक तरफा प्रेम के चलते युवती और उसके परिवार वालों का विरोध का सामना करना पड़ा और इसी के चलते आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को खून से सनी शर्ट और सरिया के साथ गिरफ्तार किया। तो खबर फतेहपुर से है, जहां पे दशकों से चले आ रहे खूनी खेल का अंत नहीं हो रहा और अब ताजा मामला खखेरू गांव का है, जहां पे प्रधानी के रंजिश में ग्राम प्रधान के बेटे को गोली मारकर घायल कर दिया गया। युवक की हालत गंभीर होने के बाद उसको जिला अस्पताल कानपुर के लिए रेफर किया गया। आपको ये भी बता दें कि कोटगांव निवासी मोहम्मद मुसर्रत अली वर्तमान में प्रधान प्रतिनिधि हैं, उनकी माँ ग्राम प्रधान हैं। उन्होंने ये भी बताया कि बस स्टॉप के समीप हमलावरों से उनकी किसी बात को लेकर के कहासुनी हुई और इस बीच अचानक गोली चली, गोली युवक के दाहिने हाथ में लगी। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल कर रही है। उधर अमरोहा में अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है और दिल्ली की क्राइम ब्रांच और अमरोहा पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में 50 करोड़ के चंदन की लकड़ी को इनके पास से बरामद किया गया है। इन तस्करों के कई राज्यों से तार जुड़े होने की जानकारी भी सामने आ रही है। बताया यह भी जा रहा है कि लकड़ी को चीन, जापान और कई देशों में सप्लाई किया जाता था। फिलहाल पुलिस का दावा यह है कि इस नेटवर्क में जुड़े लोगों को पकड़कर अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना क्षेत्र में दो बेटों की करतूत सामने आई है और दोनों बेटों ने मिलकर अपने पिता की गला दबाकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को चुपचाप उपलों में छुपाकर अंतिम संस्कार करने की तैयारी भी कर दी, लेकिन रास्ते से गुजर रहे दो राहगीरों ने संदिग्ध हालातों में यह शव जलता देख करके घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को चिता से निकाला और दोनों बेटों को हिरासत में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। वहीं बस्ती में शासन के नियमों के खिलाफ प्राइमरी स्कूल के ड्रेस खरीद में घोटाले का मामला सामने आया है और घोटाले की खबर जब इंडिया न्यूज पर चली तो फिर पूरे शासन में हड़कंप मच गया। बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने इस मामले को लेकर के ये कहा कि विधानसभा में सवाल के माध्यम से कार्रवाई की मांग वो करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सारे नियम कानून को ताक पर रखकर अधिकारियों की मिलीभगत से बिना टेंडर के करोड़पति व्यापारी को फायदा पहुंचाने का यह खेल खेला गया और इस पूरे मामले को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने हमारे संवाददाता से फोन पर यह कहा कि वो इस मामले की जांच करवाएंगे और दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाएंगे। इसमें जो लोग अगर इस तरीके की शिकायतें उभर के आ रही हैं उसकी हम लोगों ने जांच की मांग की है। ये स्पष्ट हो जाना चाहिए कि सरकार के एक आदेश, एक सरकार और एक पालन होना चाहिए, ना कि कई आदेश, कई पालन और कई लोगों के निहित वहीं देवरिया में इस समय नदियां उफान पर हैं और कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है, इससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। उधर जिला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर के दूर बरहस तहसील क्षेत्र के आधा दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ प्रभावित हैं। सरयू राप्ती नदी ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। तो वहीं जिला प्रशासन के अफसर इन गांवों में जाकर बाढ़ से प्रभावित लोगों को राशन किट मुहैया करवा रहे हैं और राहत कार्य में जुटे हैं। और इसी के साथ एक बड़ी जानकारी कौशाम्बी से आ रही है। आपको बता दें कि कौशाम्बी में एक महिला के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया है और तमंचे की नोक पर महिला के साथ गैंगरेप किया गया है। बड़ी खबर है, सपा नेता और उसके भाई पर गैंगरेप के आरोप लग रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी है कौशाम्बी से। घटना के बाद दोनों आरोपी फरार हैं, तलाश उन दोनों की जा रही है।
बड़ी जानकारी है और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई है। पीड़िता की तरफ से ये भी कहा गया है। तो सपा नेता और उसके भाई पर गैंगरेप के ये आरोप पीड़ित महिला के द्वारा लगाए गए हैं और बताया जा रहा है कि तमंचे की नोक पर यह गैंगरेप की वारदात जिसको अंजाम दिया गया, बड़ी खबर है। कौशाम्बी से तमंचे की नोक पर एक महिला से गैंगरेप का मामला सामने आ रहा है। सपा नेता और उसके भाई पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं और पीड़ित की तरफ से आरोप लगाया गया है। घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार चल रहे हैं, तलाश फिलहाल की जा रही है। पीड़िता ने यह भी बताया है कि शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी पीड़िता को दी गई है और सपा नेता और उसके भाई पर ये गैंगरेप का आरोप महिला के द्वारा लगाया गया है। बड़ी जानकारी है, इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सपा नेता और उसके भाई पर गैंगरेप के संगीन आरोप एक महिला के द्वारा लगाए गए हैं और आरोप यह है कि पीड़िता के साथ तमंचे की नोक पर गैंगरेप किया गया है सपा नेता और उसके भाई के द्वारा, और घटना के बाद से ही दोनों आरोपी फरार हैं। पुलिस फिलहाल तलाश कर रही है इन दोनों की ही, और ये भी पीड़िता की तरफ से कहा गया है कि शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी इस महिला को। तो ये बड़ी जानकारी है कौशाम्बी से, इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तमंचे की नोक पर महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया है। सपा नेता और उसके भाई पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं, महिला की तरफ से आरोप लगाया गया है और घटना के बाद से दोनों आरोपी फरार हैं। तलाश इन दोनों ही आरोपियों की जा रही है। शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी पीड़िता की तरफ से, ये खुलासा भी किया गया है। राकेश हमारे सहयोगी जुड़ गए जानकारी के साथ। राकेश बताएं क्या कुछ है पूरा मामला? आई साहब बता रहे हैं, मनियालू कोतवाले का मामला है जहां पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि उसके सपा नेता जो आदमी और उसके भाई ने उसको अपने घर बुलाया और वहां पर उसके साथ जोर जबरदस्ती की, जब उसको जोर जाने की कोशिश की तो उसको पिस्टल दिखाकर उसके साथ गैंगरेप किया गया। इसी तरह से वहाँ बच के जब वो अपने घर पहुंची और अपने परिवार वालों से बताया कि इसकी शिकायत मंजमपुर थाने में की गई, जहाँ पर शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके अब जाँच करना शुरू कर दिया है। शुक्रिया राकेश फिलहाल इस बातचीत और जानकारी के लिए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।